competition committee as always is coming up with its new initiative in the interest of cgpsc aspirants with its latest cgpsc pre-mobile course for english medium students and in this course with flowchart images and in other creative way i have covered all the required dimensions of indian economy and indian geography subject for cgpsc prelims exam so without wasting time grab the opportunity फ्रेंड्स वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी मैं हूं निकत परवीन खान और आज का ये जो वीडियो है ये पॉलिटी के पिछले तीन साल के मेंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस वीडियो है एक्चुअली पिछले महीने कंपटीशन कम्युनिटी के एक सर्वे के तहत आप लोगों की तरफ से डिमांड आई थी कि आप मेंस के क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उसका एनालिसिस चाहते हैं तो बस उसी डिमांड के तहत आज का ये वीडियो बनाया गया है और ये पूरी सीरीज बनाई गई है जिसमें हम पिछले तीन साल के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं सी जी के उसके सेक्शंस का एनालिसिस कर रहे हैं अपने अपने सेक्शंस का एनालिसिस कर रहे हैं फाइन तो 2016, 17 और 18 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है फॉर्मेट क्या होगा वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी जानते हैं कि सी जी का जो पेपर थ्री है उसका जो सेक्शन टू है अब फिलहाल जो है वो काफ़ी कुछ बदल गया है और अगर हम 2016-17 की बात करें तो वो अलग था फिर भी आज भी हम देखेंगे ये सेक्शन टू में ही है ठीक पहले पांच पार्ट्स थे अब तीन पार्ट्स हैं लेकिन ये सेक्शन टू में ही आएगा ठीक है सेक्शन टू में आपका व और पॉलिटी दोनों इंक्लूडेड है तो ये वाला जो एनालिसिस वीडियो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का है तो सेक्शन टू में पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए हैं दो हज़ार सोलह में उसे हम एक एक करके देखते हैं और हम मार्क्स वाइज क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले हम टू मार्कर क्वेश्चंस तीनों ईयर के फिर फोर मार्कर क्वेश्चंस फिर उसके बाद हम एट मार्कर क्वेश्चंस टेन मार्कर क्वेश्चंस एंड सो ऑन फाइन विद दैट सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन सबसे पहले मार्क्स दो मार्क्स की जो क्वेश्चन है जिसमें वर्ड लिमिट दी रहती है तीस उसके क्वेश्चन देखते हैं देखिए आपको इसके लिए जनरली तीन चार लाइने दी रहती हैं और जी जितने टू मार्कर क्वेश्चन होते हैं चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो वो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं ठीक या डेफिनेशंस होंगी या फैक्ट्स होंगे आप कोशिश करें कि डेफिनेशंस हैं तो उसको एग्जैक्ट लिखें और अगर वो फैक्चुअल हैं तो फैक्ट्स को आप ज़रूर डालें भले ही आप फैंसी तरीके से आगे पीछे कुछ चीज़ें ऐड करें लेकिन फैक्ट्स को डालने की ज़रूर कोशिश करें ज़्यादा आपकी कोशिश रहना चाहिए कि आप अपने आंसर्स को अगर आप टू मार्कर में लिख रहे तो पॉइंट्स में लिखें पॉइंट्स विल फेच यू मोर मार्क्स पूरे पूरे दो मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप चीजों को पॉइंट्स में लिखते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है जिसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो आप पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे ओवर पैराग्राफ ये लाइन में रिपीट करती हूँ पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे ओवर पैराग्राफ ठीक है ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले अगर हम दो की बात करें तो देखिए ये चार क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के अर्थ को समझाएं पहला क्वेश्चन था दो मार्क का तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर मेरा देखे होंगे तो आपको बताया था मैंने कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और मैं देखो अभी हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे तो हम डिटेल में कोई भी चीज़ के जो कंसेप्ट है उसको डील नहीं करेंगे अभी हम लिखना कैसा है क्वेश्चन के मार्क्स के और वर्ड्स के डिमांड के हिसाब से उसको फ्रेम कैसे कर रहे हैं फ्रेमिंग पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं फाइन तो देखो स्टेट की डेफिनेशन उसमें बताया गया था कि जुडिशियल जितने विंग्स होते हैं उसको छोड़कर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स मतलब न्यायपालिका के जितने अंग होते हैं उनको छोड़कर कार्यकारी और विधायी जितने अंग होते हैं केंद्र राज्य और लोकल लेवल के उन सभी को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है ये आपको मैंने बताया था तो सबसे बेहतर होता है कि उस स्टेट की डेफिनेशन की जो तीन चार पॉइंट्स हैं ठीक है कि केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर ये सब आता है उसके अलावा पी आते हैं लोकल बॉडीज़ आती हैं ये सारे पॉइंट्स में आ, आर्टिकल ट्वेल्व में दिया रहता है आप वो पॉइंट्स को लिख दीजिए दैट वीज सफाइज और इस चीज़ को आप एम्फोसाइज करिए खासतौर पर इस चीज को लिखिए कि इसमें कोई भी न्यायिक अंग चाहे वो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो या लोकल कोर्ट्स हो या इससे जुड़ा कोई भी संवैधानिक ऐसा अंग जिस जो न्यायपालिका से संबंधित है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता ठीक है तो मैं एक बता रही थी आपको कि वो आर्टिकल ट्वेल्व में आपका जो डेफिनेशन है स्टेट का उसके पॉइंट्स आप लिख दें तो बेहतर है ठीक है कि क्या क्या आता है और एक लाइन में कि क्या नहीं आता फिर आता है भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ की विशेषताएं बताइए देखें जो भारत का संवैधानिक विकास है इतिहास और संविधान दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते है और पॉलिटी में भी कई ना कई ओवरलैप करता है ये वाला सेक्शन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके बहुत सारे प्रावधान आपने पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें बहुत सारे अपने प्रावधान पढ़े होंगे अब क्योंकि टू मार्क्स हैं तो आपको छांटना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जब भी आपके पास ज्यादा स्पेस होती लिखने के लिए तो वो ज्यादा आसान पड़ता है लेकिन जब आपके पास स्पेस कम होती है और आपके पास मैटर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये सीधा सीधा पॉइंट्स में लिखने लायक एक आंसर है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कोई दो पॉइंट्स छाट लीजिए जैसे उन्नीस की अगर हम बात करें तो इसमें रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार की बात हुई थी उन्नीस की अगर हम बात करें तो काफी सारे प्रावधान इसके तहत भारत लाए गए थे जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट डाय आर की द्वैत शासन यानी अगर आपको दो तीन पॉइंट्स लिखने हैं तो उसमें डाय की आना ही चाहिए क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एक होता है ना अलाइट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक फिर उसके बाद बाय यानी द्विसनीय प्रणाली वो आना ही चाहिए ठीक तो बताते वक्त जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था आपको तब भी मैंने बताया था कि आपको बता जरूर है यू मैं आठ दस पॉइंट हर एक अधिनियम में हर एक अधिनियम जो वहां से भेजे गए लेकिन आप दो मार्क्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे चार मार्क्स से कैसे आठ मार्क्स से दस मार्क्स पंद्रह मार्क्स के हिसाब से कैसे इसको फ्रेम करेंगे ठीक है सब इंपॉर्टेंस वाइज आपको लिखना है दो मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट लगी मान लीजिए बाई कैमरलिज लिख दिया आपने द्वि और आपने लिखना डायर की चार मार्क्स में उसके बाद फिर जो विस्तार किया गया था भारत में कम्युनल इलेक्ट्रेट का या फिर उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी उसको आप ऐड कर सकते हैं अगर चार मार्क्स में पूछा है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा प्रिपेयर करें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में कोई भी अधिनियम के दो मार्क्स चार मार्क्स आठ मार्क्स कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक उसके अलावा भारत के संविधान की छठवी अनुसूची का वर्णन कीजिए बारह शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई भी शेड्यूल को पूछ सकता है टू मार्कर क्वेश्चन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरह से तो आप जानते ही हैं कि अनुसूची छः जो है वो चार राज्य भारत की असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों की बात करता है जिनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद दो में है टू में आप इतनी बातें लिख दीजिए टू मार्क मिल जाएगा आप इतना कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें टू मार्कर इज ओनली पॉइंट टू पॉइंट आंसरिंग फॉर तभी आपको पूरे टू मार्क्स मिल सकते हैं ठीक आगे आ जाइए भारत की की के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग का उल्लेख कीजिए अब देखिए यहाँ पे भी वो दिक्कत आ जाएगी कि महाअभियोग या इम्पीचमेंट वाला पार्ट अगर आप टॉपिक देखिए तो बहुत बड़ा है यूजुअली ये हंड्रेड वर्ड्स में पूछना चाहिए नॉर्मली ये सिक्सटी वर्ड्स में भी पूछ सकता है लेकिन टू मार्क्स में तो टू मार्क्स में फिर आपको छाटना पड़ेगा कि पूरी चीज जो हम इम्पीचमेंट के बारे में जानते हैं उसमें से क्या ऐसा लिख दे कि हमको दो मार्क्स मिल जाए तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल लिखिए और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है तो आपको इसमें बताना होगा इम्पीचमेंट में कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया जो अनुच्छेद में दी गई है ठीक ये एक इम्पोर्टेंट सॉलिड पॉइंट हो गया फिर उसके बाद आप इसमें बता दीजिए कि इसमें केंद्र की संसद लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के मतलब सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं एक विधेयक पारित करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग का और राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं ठीक तो आपको पहला पॉइंट हटाने की प्रक्रिया इकसठ में दी गई ये ज़रूर बताना है दूसरा इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं सारे मेंबर्स यानी नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी जो केंद्र के हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों पॉइंट्स आने ही चाहिए उसके अलावा अगर आपके पास स्पेस बचती है या पॉइंट वाइज आप ऐसा लिखते हैं कि तीन जो लाइन्स है उसमें आप चार पॉइंट्स अरेंज कर सकते हैं तो दो पॉइंट्स और डाल दीजिए कि राष्ट्रपति को हटाने की ये जो प्रक्रिया है उसके लिए राष्ट्रपति को चौदह सूचना दी जाती है इसका एक नोटिस जा, दिया जाता है, और उसके बाद दो तिहाई संसद की कुल जो संख्या है जो कुल स्ट्रेंथ है उसके दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के महाभियोग का जो विधेयक है वो पारित होता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये पास हो जाता है और राष्ट्रपति पद से हट जाता है तो एक तो वो दो तिहाई बहुमत वाला बा, वाली बात चौदह दिन की जो सूचना वाली बात अनुच्छेद इक्सठ वाली बात और कौन पार्टिसिपेट करते ये चारों पॉइंट्स आने चाहिए पॉइंट वर्स लिखिए पैराग्राफ ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए ठीक है तो ये 2016 के दो मार्क के क्वेश्चन थे आगे बढ़ते हैं हम दो हजार 2017 के मार्कर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं सबसे पहले क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव बताएं मेन प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्चुअली हिस्ट्री का विद है पॉलिटी में तो हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है वो पॉलिटी से ओवरलैप करेगा ही ठीक तो अगर आपने पॉलिटी में नहीं तो कम से कम हिस्ट्री में तो इस चीज को पढ़ा ही होगा कि उन्नीस में बयालीस में क्रिप्स मिशन आया था भारत सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था ठीक इतनी बात मेंशन जरूर कर क्वेश्चन है पर आप इतना शब्दों शब्दों को थोड़ा सा कि कि सजा करके ऐसा करें कम में आप लिख सकते हैं दो अलग अलग बनाने फिर क्योंकि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा है कब आया था क्यों आया था और कि किसके अध्यक्ष में ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि तो अगर आपने सॉलिड सॉलिड चार प्रपोजल्स या तीन अच्छे प्रपोजल्स लिख दिए तो पूरे टू मार्क्स लेकिन आपको बहुत अच्छे से नहीं पता है दो एक दो ही नॉर्मल से पॉइंट्स पता है प्रपोजल्स की तो आपको थोड़ा से भूमिका बांधनी पड़ेगी कब आया था किसके अध्यक्षता में आया था क्यों आया था ये सब आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपके आंसर में जो आपको पूरे प्रपोजल्स नहीं पता है वो कॉम्पनसेट हो सके यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है टू मार्कर फोर मार्कर क्वेश्चन में कि अगर आपको एकदम सटीक पॉइंट्स नहीं पता है तो हम जो हमारे नॉलेज की कमी है उसको कैसे कॉम्पनसेट करें जो हमको एक्स्ट्रा चीजें पता है उसको हम ऐड करेंगे ताकि थोड़ा बहुत मान लीजिए दो में से एग्जामिनर एक मार्क्स देने वाला है तो कम से कम डेढ़ मार्क्स दे दे ठीक है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करनी कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए किसी भी तरह से तो बताने का मकसद ये क्रिप्स मिशन क्या है पूछता तो उन्नीस सौ में आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था और भारत का सहयोग पाने के लिए इन लोगों ने मिशन भारत भेजा था उन्नीस में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसी के सिलसिले में भारत का सहयोग ब्रिटेन को चाहिए था इसलिए भेजा गया था अब इतना लिखने का हमारे पास स्पेस नहीं है तो आप इतना लिख दें बयालीस में स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आता हैं ठीक है अब प्रपोजल्स की बात है प्रपोजल्स में तीन चार मेन बातें कही गई थी इंडियन डोमिनियन बात बनाने की बात की गई थी पहली कि भारत एक अधिराज्य बनाया जाएगा एक प्रपोजल उन्होंने रखा था और जिसके पास ये निर्णय लेने की क्षमता होगी या ये कुतना निर्णय भारत के ऊपर रहेगा कि वो स्वतंत्र होना चाहता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से या उसी में शामिल रहना चाहता है बाकी भारत अधिराज्य बनाया जाएगा ये एक प्रपोजल था क्रिप्स का दूसरा था भारत में जितने भी प्रांत हैं उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो चाहें तो भारत का जो अधिराज्य उसको ज्वाइन करें वरना वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं ठीक है ये भी एक प्रपोजल था तीसरा प्रपोजल जो एक पूरे दशक से भारत में संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग चली आ रही थी उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था क्रिप्स मिशन में कि हम भारत में एक संविधान निर्मात सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके देंगे जो भारत के फ्यूचर के संविधान को गढ़ेगा ठीक और चौथी बात की थी चौथा प्रपोजल इसमें यह था कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत के डिफेंस ठीक है डिफेंस रिलेटेड जितने मैटर्स है वो ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहेंगे हो गया चार पॉइंट आपको कोई दो सॉलिड भी लिख दो तीन लिख दो थोड़ा सा भूमिका शुरू में लिख दो कब क्यों कैसे आया था और दो पॉइंट्स भी लिख दो भी तो चलेगा और नहीं आपको लिखना है आपको चारों अच्छे से पॉइंट्स बता दी चारों पॉइंट्स लिख दीजिए क्वेश्चन की डिमांड ही है कि प्रपोजल के पॉइंट्स लिखे आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये चार पॉइंट्स लिख देंगे क्या कहा मैंने भारत को एक अधिराज्य बनाया जाएगा उसके अलावा दूसरा संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी तीसरा ये कि जो प्रोविंसेस इंडिया के जो प्रांत है इंडिया के उनको ये ऑप्शन रहेगा कि आप इंडिया को ज्वाइन करें या स्वतंत्र रहें और चौथी बात ये कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेड नहीं हो जाता तब तक के डिफेंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे ठीक ऐसा इसको फ्रेम कर सकते हैं पॉइंट मेन का ना जितना कोशिश करें पॉइंट्स में लिखिए फैक्चुअल है अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं लिखित और अलिखित संविधान से आप क्या समझते हैं वॉट यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम जो पहला लेक्चर था मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मैंने आपको ये समझाया ही है ठीक है मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताए थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि दोनों में फर्क क्या है पॉइंट वाला ही है ये डिमांडिंग ठीक है ये डिमांड कर रहा है पॉइंट्स में आप इसे लेके आप चाहें तो समझा सकते हैं पर आपकी बातें हाईलाइट होनी चाहिए एक्चुअली डिफरेंस ही पूछा है ठीक है रिटर्न एंड रिटर्न में एक्चुअली क्या है डिफरेंस ही पूछा है तो आप चाहे तो दो छोटे छोटे पैराग्राफ करके कर, कर दो चाहे डिफरेंस टेबल करके कर, कर दो लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो आप इस तरह से शब्दों का चयन करिए कि आपकी बातें हाईलाइट हो तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडिया का अमेरिका का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन का दोनों में फर्क ये है कि लिखित संविधान जो होता है उसमें सारे जो लॉज होते हैं नियम कायदे कानून होते हैं वो कोडीफाइड होते हैं और एक सिंगल बुक में कंपाइल्ड होते हैं संकलित होते हैं जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो प्रॉपरली कॉडिफाई होके एक सिंगल बुक में नहीं रहता बिखरे हुए कानून होते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में बिखरे हुए रहते हैं अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं लिखे नहीं गए अनरिटेन का मतलब यह है कि वो एक जगह संकलित या कंपाइल्ड या कोडिफाई नहीं हो ये आप क्लियरली अपने शब्दों में उसे समझाएं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है उसके बाद अगर आपके पास स्पेस बचती है अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं और ये दोनों बातों को आपने समझा लिया है तब फिर आप लिखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिजिड होता है ठीक और जो अनरिटन होता है अलिखित होता है वो फ्लेक्सिबल होता है यानी कि कठोर होता है और ये लचीला होता है वजह आप सभी जानते हैं लेकिन दो मार्क्स में उसकी लिखने की जरूरत नहीं है रिजिड इसलिए क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता फ्लेक्सिबल इसलिए कि उसे बदला जा सकता है ठीक है तो अनरिटन फ्लेक्सिबल होता है ये रिजिड होता है ठीक और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर भी जिन भी देशों में होता है ना वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो लिखित में क्वॉडिफाइड लॉज होते हैं ठीक और जिन भी जगहों पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलिखित संविधान होता है वहाँ पर स, जो संसद होती है वहाँ की लेजिस्लेटिव होती है वहां की वो सर्वोच्च होती है ना कि वहां का संविधान तो जैसे ब्रिटेन की बात कर ले हम तो जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे पार्लियामेंट ज्यादा डॉमिनेंट है और जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा डॉमिनेंट है ये दो तीन पॉइंट्स हैं आप इसमें से जो भी चाहें अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आगे आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के एनालिसिस क्लियर हो रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स पुट कर रहे हैं आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए कई बार पूछा गया क्वेश्चन अगले वाले आप 2018 में भी देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया आप ये मान के चलें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ों से जो कंसेप्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के उससे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम मैंने पहली क्लास में पढ़ाया आपके आपके आपने अगर कोर्स परचेज किया होगा तो आप देखिए सेलियन फीचर्स ऑफ जो कॉन्स्ट्यूशन मैंने सारा संविधान का जो मूल है उसको एकदम एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर बता दिया है वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है कि इस पर से क्वेश्चन बनते हैं और बन भी रहे हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं प्रेसिडेंशियल इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बनते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो दो तीन पॉइंट्स आप इसमें लिखिए इसको भी पॉइंट वाइज लिखा जा सकता है पहली बात ये जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव से डिराइव होती है ये मैंने उस वक्त भी आपको बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सरकार का ढांचा होता है जहां पे कार्यपालिका को विधायिका से डिराइव किया जाता है पहले विधायिका अस्तित्व में आती वहां से कार्यपालिका निकलती पहले सांसद बनते हैं वहां से मंत्री बनाते हैं है ना पहले सांसद बनकर आएगा कोई व्यक्ति फिर उनमें जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसके कुछ लोग जो है वो मंत्री बनेंगे तो इसलिए मैंने कहा जहां पर विधायिका से कार्यपालिका डिराइव की जाती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गोवमेंट या मैं कहूँ फीचर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे विधायिका से कार्यपालिका को डिराइव किया जाता है ठीक है दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे हमेशा दोहरे प्रमुखों का सिस्टम होता है डुअल हेड्स एक हेड ऑफ़ द स्टेट होता है एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जैसे भारत जैसे अगर आप ब्रिटेन दोनों की जगह बात करें तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मुनार की वाला सिस्टम आपको बताया था मैंने तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड्स का सिस्टम होता है तीसरा पहला वाला जो पॉइंट है उसी को दूसरी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं या चाहें तो अलग पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि यहाँ पे शक्तियों का पृथकीकरण स्पष्ट नहीं होता है विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करते हैं यू कैन ऑलवेज सी एन ओवरलैप बिटवीन द फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव या तो आप पहले तरीके से लिखें या तो इस तरीके से लिखें चाहे तो आप इसको दो पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं ठीक है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पूर्णता पृथक नहीं है शक्तियों के पृथकीकरण का पूर्ण पालन नहीं होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवरलैप करते ठीक है

इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना राष्ट्रपति की शक्तियाँ लिखिए राज्यपाल की शक्तियाँ लिखिए वो भी कोई चार कितनी ही पढ़ी है आपने राष्ट्रपति के बारे पूछ देता तो फिर तो आप होता ना कि सबसे इजी यही होता आपने राज्यपाल की जब शक्तियाँ पढ़ी तो आपने चार प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी विधायी कार्यकारी न्यायिक और वित्तीय है ना और हर एक प्रकार में आपने कई और सब टाइप्स पढ़े थे आप को कोई टाइप नहीं पूछ रहा है कोई भी चार शक्तियाँ पूछ रहा है तो आप कोई भी चार लिख दीजिए पर छाट कर अच्छी वाली लिखें ताकि वैसे तो आप चार पॉइंट्स लिख देंगे टू मार्क्स आपके इसमें ऐसा इंपॉर्टेंस वाला भी कोई कुछ भी नहीं है लेकिन कोशिश करें कि ये दो दो पॉइंट ज़रूर आए एक तो इसकी जो नियुक्ति का पावर होता है कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं राज्य स्तर के जिनको ये नियुक्त करता है ठीक है बताया था मैंने राज्य का सीएम है स्टेट मिनिस्टर्स हैं एडवोकेट जनरल है ठीक है थीके? जितने राज्य स्तर के संवैधानिक अधिकारी हैं उन सबका एक वो वाला पॉइंट ज़रूर लिखेगा दूसरा लेजिस्लेटिव पावर में इनका जो वीटो पावर होता है वो जरूर लिखें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होता है इनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो जरूर लिखें ये दो तीन पॉइंट्स कोशिश करें कि ज़रूर रहे वरना अगर आपको नहीं भी याद आया और कोई चार सॉलिड पॉइंट्स आपने लिख दिए तो भी चलेगा ठीक है तो इसमें कोई बंदिश नहीं तो ये हो गया 2017 के टू मार्कर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम 2018 हजार में अठारह में काफी फॉर्मेट चेंज हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे हुए वर्ड लिमिट भी ऊपर नीचे हुई है तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग दिखेगा बहरहाल ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं संवैधानिक संशोधन देखो क्यों तीन है क्योंकि पबैड जो है उसमें ऐड करके पूछा है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें जोड़ दिया है इसलिए आपको सारे क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे अभी क्वेश्चन को वर्ड से समझिए संविधान संशोधन की विधियां बताइए अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने मेथड ऑफ दूशन मेमेंट भी बताया और टाइप्स ऑफ मेजोरिटी भी बताया उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है अब इसमें खास तौर पे एक वर्ड देखिए विधियां बताइए मेथड्स विधि बताइए मेथड बताइए नहीं बोला विधियाँ बताइए तो ये क्या पूछ रहा है क्या ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल कैसे आता है कैसे आ, आ, आगे पारित होता है कि ये बहुमत के प्रकार पूछ रहा है ये एक्चुअली बहुमत के प्रकार ही पूछ रहा है अगर वो पूछता कि संविधान अगर उसको मेथड से मतलब होता कि संविधान का संशोधन कैसे होता है तो वो एक प्लूरल में नहीं लिखता क्योंकि वहाँ पे वैरायटी कहाँ है इस मेथड में सिर्फ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में आप अगर वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो साधारण बहुमत दूसरा आपका जो दो तिहाई बहुमत है और तीसरा जो राज्यों की सहमति वाला बहुमत है ये तीन अलग प्रकार होते हैं संविधान संशोधन करने के तो वैरायटी इन्हीं में है बस बाकी जो मेथड है वो तो एक ही, ही है कि संविधान संविधान संशोधन का एक बिल आता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी आ सकता है ठीक है ये पूरा इन्हें प्रोसेस बताया था ये प्रोसेस नहीं पूछ रहा है वो एक्चुअली वो मेजोरिटी पे फोकस करना चाहता है ठीक है तो वो तीन तरह की जो मेजोरिटी उसको आप ज़रूर लिख दें कि साधारण बहुमत से फिर उसका एग्जाम्पल लिख दें कि जैसे कि पार्ट वन पार्ट टू को आप साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं फिर दूसरा इसमें कि आप मैंने आपको स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जाकर देखिएगा जिसमें कुल जो सदस्य हैं उसका फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा और मौजूदा सदस्य के टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू में, में पढ़े थे वैसा वाला एक मेथड होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे संशोधित किए जा सकते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार निधि शक्त तत्व उनको अगर बदलना है तो दूसरे तरीके से हो सकता है तीसरा अगर कोई संघीय फीचर है जैसे कि फेडरल फीचर है जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हैं तो उसमें केंद्र में बहुमत के बाद राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है ठीक है ये तीन प्रकार की मेजोरिटी मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में एक्चुअली वो वही पूछ रहा है और आप ये तीनों लिख देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे ठीक अगले क्वेश्चन में आते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक दिख रहा होगा आपको कि प्रेमबल से पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें भारत राज्य की प्रकृति के पांच शब्दों को बताने की बात कही गई है मैंने बताया था ये पांच शब्द क्या बताते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ठीक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो मार्क्स से लेकर के दस मार्क्स फिलहाल के फॉर्मेट में आप जानते होंगे कि, कि पॉलिटी से दस मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं पंद्रह मार्क्स में नहीं क्योंकि हम सेक्शन टू में इसको डील करते हैं है ना सेक्शन वन और सेक्शन थ्री में फिफ्टी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन टू से दस मार्क्स के तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दो मार्क्स से लेकर दस मार्क्स तक पूछा जा सकता है अब आपको इसको समेटना और स्प्रेड करना दोनों आना चाहिए ये पांच वर्ड्स को मैंने बहुत डिटेल में डील की थी अब यहाँ पे टू मार्क्स ने पूछ दिया तो आपको एक एक लाइन में इनको बता देना है सॉवरेंट का क्या मतलब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक का क्या मतलब ठीक है सॉवरिन का अब मैं यहाँ पे मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस बचा है आप मेरा प्रियम्बल का जो लेक्चर है उसे आप जा करके देखिए और दो दो लाइन में इनको जैसे डेमोक्रेटिक ऐसी एग्जाम्पल दे दे सकती हूँ मैं डेमोक्रेटिक स्टेट है इसका मतलब यह डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक एक ऐसा स्टेट ऐसी इकाई जहां पे जो प्रशासन हो रहा है वो प्रजा द्वारा किया जा रहा है डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल जो प्रजा द्वारा या लोगों द्वारा चलाया जा रहा है अब ऐसे एक लाइन में मिल करके इसको डिफाइन कर दीजिए ठीक है सॉवरिटी का मतलब क्या होता है संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर किसी इकाई में जो प्रशासन हो रहा है उसकी सभी शक्तियाँ उसी इकाई के अंदर निहित हैं और उस इकाई से ऊपर कोई नहीं है जो उसके लिए निर्णय ले एक लाइन में आपने समेट दिया ऐसे करके पांचों शब्दों को एक लाइन में समेटिए और ये आपका आंसर हो जाएगा हालांकि तब भी ये बड़ा होगा आपको और समेटना पड़ेगा और सेंस भी निकलना चाहिए भले ही आप कम शब्दों का इस्तेमाल करें पर सेंस पूरा निकलना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी होगा ही क्योंकि पाँच पाँच डेफिनेशन पूछा है एक एक, -एक लाइन में भी लिखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा ठीक है लेकिन आप स्किप करोगे तो वो आधा मार्क्स काटने का उनको बहाना मिल जाएगा इसलिए सोच कोशिश करना कि छोटी छोटी राइटिंग में पूरे पांचों को एक एक लाइन में आप डिफाइन कर दो ठीक है और कोई भूमिका नहीं बांधो बस पाँचों को डिफाइन कर दो उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं हम एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्वेश्चन रिपीटेड है मैंने बता दिया कैसे डील करना है तो ये हो गए सारे टू मार्कर क्वेश्चन सोलह से लेकर अट्ठारह तक अब हम आगे मूव ऑन करते हैं फोर मार्कर क्वेश्चन में जिसकी वर्ड लिमिट होती है सिक्सटी अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं सिक्सटी वर्ड्स के आंसर को तो कोशिश करिए दो पैराग्राफ बना करके लिखें करीब छः सात लाइन्स इसके लिए दी जाती हैं दो पैराग्राफ्स लिखें लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जितना पॉसिबल हो जित भी तरह का फॉर्मेट हो पॉइंट्स में लिखें आप या कुछ इस तरह से लिखें कि आपकी बातें हाईलाइट हो आपकी बातों पर एग्ज़ामिनर की नज़र एकदम से जाए पैराग्राफ में आप अपने फैक्ट्स भी लिखे होंगे तब भी ज़रूरी नहीं कि वो रीडेबल हो देखिए पहली बात हो राइटिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी क्लैरिटी ऑफ राइटिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका वर्ड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सफाई से आपको लिखना है वो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर एक कोशिश की जाए की जाए कि बड़े भी आंसर्स लिखें तो आप पॉइंट्स में लिखें सब uh, हेडिंग्स में लिखें क्लासीफाई करके लिखें फ्लो चार्ट बना करके लिखें डायग्राम्स बना करके लिखें ताकि एकदम से वो नज़र में आए क्योंकि यूपीएससी फॉर्म यूपीएससी जैसा फॉर यू यहाँ पर फॉर्मेट नहीं होता कि जो आपको एक न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखना पड़ता है यूपीएससी में ऐसा रहता है कि आपको न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखना है आपको चाहे कुछ कुछ भी ना क्यों ना पूछे ठीक है जिसमें आप ऐसा टेबल नहीं ड्रा कर सकते जिसमें आप सब हेडिंग्स नहीं दे सकते जिसमें पॉइंट्स नहीं ले सकते ऐसा नहीं पी एस में ऐसा नहीं है पी में बिल्कुल आप स्कूल लेवल पर जिस तरह से लिखा करते हो तो वैसा लिखिए और वैसे ही मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो आप पैराग्राफ में लिखते तो पे दो पैराग्राफ्स में जाएगा बाकी पॉइंट्स अगर हैं तो कोशिश करिए जैसे कि अगर चार मार्क्स का है तो चार सॉलिड पॉइंट लिखेंगे तो भी मिल जाएगा और अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो उतने उसमें दम नहीं है तो चार की जगह छः पॉइंट्स कोई भी आंसर लिखने की कोशिश करिएगा ठीक बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस देखते हैं 2016 के पहले डिस्क्राइब द अपीलेट जूनिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए मैंने आपको जुडिशियरी जब पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किस्म के हैं जिसमें से के अंतर्गत होता है अपीलित जुरेस्टिक्शन का मतलब होता है कि जब किसी निचले कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति डिससेटिस्फाइड हो और उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो ऊपर के कोर्ट में जाना चाहे तब वो एक अपील की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है और फिर वो अपील के ऊपर उस सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होती है सुनवाई होती है तो जब किसी निचले कोर्ट से कोई केस ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के तौर पर जाता है तो वही एपेलेट जू है ठीक है आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा और फिर चाहे चाहे क्या कोशिश करें कि इसमें आप एग्जाम्पल्स डाल दें ठीक उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अप्रोप्रिएशन बिल ये मैंने आपको तब बताया जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है एक ऐसा विधेयक होता है जो कि हमारे राजकोष की चाबी के जैसा काम करता है और अनुच्छेद 114 में साफ लिखा हुआ है कि अगर हमें हमारे राजकोष से कुछ भी पैसा निकालना है तो उसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है या मैं कहूँ कि अप्रोप्रिएशन बिल पारित करना आवश्यक है ठीक तो जबी भी कोई भी मनी बिल अप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल ही होता है एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का मनी बिल होता है जहां पे जो भी पैसे निकालने होते हैं किसी भी वजह से प्लानिंग के लिए या तनख्वाहें देने के लिए कुछ भी करने के लिए तब पूरी संसद की सहमति ली जाती है पहले तो एक फाइनलाइज हो जाता है डॉक्यूमेंट कि इतने पैसे निकालने लेकिन तब भी राजकोष का ताला नहीं खुलेगा जब तक संसद अनुमति नहीं देगी उस ताले को खोलने के लिए तो अप्रोप्रिएशन बिल वही चाबी है जो राजकोष के ताले को खोलती है संसद अप्रूवल लिया जाएगा कि भाई जितने पैसे निकालने की बात हुई अब क्या निकालें तो पार्लियामेंट जो है अप्रोप्रिएशन बिल को पारित करेगी तब जाकर करके वो राजकोष का जो ताला है वो खुलेगा ठीक है तो ये अप्रोप्रिएशन बिल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बगैर पैसे नहीं निकाले जा सकते इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए फिर है क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन केंद्र राज्य संबंध मेंस के टॉपिक में ऐड किया गया है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड ये, ये क्वेश्चन रहता है हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा संघ है जहां पे केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है इसलिए भारत को क्वॉजी फेडरल कंट्री भी कहा जाता है अर्ध संघीय ढांचा भी कहा जाता है उसी चीज को टारगेट करते हुए अक्सर क्वेश्चन आते हैं पीएससी में और ये भी उसी को टारगेट करते हुए क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन एक, का मतलब देखिए आपको यूट्यूब में मेरा एक मेन्स में किस तरह से आंसर लिखना है उसका एक वीडियो मिलेगा और उसमें मैंने आपको बताया है कि जब बड़े क्वेश्चन आते हैं या ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट फैक्ट ना पूछकर कुछ अटैचमेंट कर देता है जैसे डिस्कस कमेंट क्रिटिकल एनालाइज समालोचना करिए इस तरह के जो क्वेश्चनस आते हैं तो उसको कैसे डील करना है वो मैंने डिटेल में बताया उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी ठीक है या यूट्यूब में वो अपलोडेड है मेन्स आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आप उसे देख सकते हैं ठीक तो अब क्रिटिकली एग्जामिन करने बोला है मतलब केंद्र राज्य संबंधों का नेगेटिव पहलू को हाईलाइट करते हुए जजमेंट देने बोला है मैं रिपीट करती हूँ केंद्र राज्य संबंध के नेगेटिव पहलू को हाईलाइट करते हुए जजमेंट देने बोला है लेकिन वो भी कितने मार्क्स में फोर मार्क्स में है ना तो बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है तो पहले आप जो क्रिटिकली एग्जामिनेशन है तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में थोड़ा सा बताइए वो भी कौन सा लेजिस्लेटिव है ना केंद्र राज्य का जो आपका विधायी संबंध है उसको मैंने पूरा डिटेल में सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन वाला आपका जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है लेक्चर्स में अपने मोबाइल कोर्स में उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि केंद्र राज्य का एग्जीक्यूटिव संबंध कैसे हैं लेजिस्लेटिव संबंध कैसे हैं ठीक फाइनेंशियल संबंध कैसे हैं तो उसमें आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे पाँच छः पॉइंट्स तो आप सभी मेंशन नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव रिलेशन बहुत बड़ा है आप बस इतना बताइए कि केंद्र और राज्यों के जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है या शक्तियों का जो वितरण है कानून बनाने का उसके आधार पर है जिसके तहत केंद्र संतानवे और संशोधित तौर पे सौ विषयों पर कानून बना सकता है राज्य जो है वो सिक्सटी वन विषयों पर कानून बना सकता है और दोनों मिलकर जो है वो फिफ्टी टू विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं ठीक है फैक्ट्स में बोलने में कुछ गड़बड़ हो तो देख लें क्योंकि ये सिर्फ मेरा फोकस अभी आपको उसे पढ़ाना नहीं है आपको बस बताना है कि क्या लिखना है ठीक है तो उस चीज़ पर आप फोकस करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन में वो डिवीजन ऑफ पावर पर फोकस करेंगे उसको बता देंगे पहले कि ऐसा ऐसा है फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आपको मेन फोकस करना है कि जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब कि अवशेषी विषय वस्तु जिसका उल्लेख किसी सूची में नहीं है तीनों में से किसी सूची में नहीं है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संविधान ने केंद्र को दिया ना कि राज्य को ठीक है तो इस तरह से हमें पता चलता है कि विधायी शक्तियों में केंद्र अधिक शक्तिशाली राज्य नहीं है तो भले ही भारत एक संघीय ढांचा है लेकिन यहाँ पे क्योंकि अवशेषी विषय वस्तु केंद्र के पास जाते हैं इस वजह से यहां पर अर्धसंघात्मक जैसे फीचर्स दिखाई देते हैं केंद्र अधिक शक्तिशाली राज्य नहीं तो ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो गया है ना कि सेंटर स्टेट रिलेशन में हमको दिख रहा है कि स्टेट कहीं ना कहीं रिसेसिव होता है और जो सेंटर है वो थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाई देता है अक्सर आपको ऐसे नेगेटिव चीजें बताने यहाँ के और बताना है कि ये इस वजह से हम इस बोलते हैं कॉजी फेडरल ठीक है तो ये आपको फेडरलिज्म का एनालिसिस करना है एक्चुअली में इसमें ठीक और आपको क्या पॉइंट लेते हैं फेडरलिज्म का एनालिसिस करना है यूनियन और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर ठीक है ये आपको पहले में बताना है पहले पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ में एनालिसिस करना है

यदि कुछ भी असंवैधानिक भारत में घटता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ये मैंने बताया है आपको जब मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा है आप इसे पैराग्राफ में बताएं शब्दों में ढालकर दूसरे पैराग्राफ में बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए हमारे संविधान ने रिट याचिकाओं का प्रयोजन किया है और वो रिट याचिकाओं के नाम लिखें रिट याचिकाएं समझाएं ना नाम लिख दीजिए और आपके पास स्पेस बचती है आपकी राइटिंग छोटी है एक एक लाइन में रिट याचिकाओं के बारे में भी बता सकते हैं कि क्यों वरेंटो या उत्परेशन या ये जो पांच रिट्स हैं इसका क्या मतलब होता है लेकिन ये लास्ट का एक ऑप्शन है कि अगर सब आपके पास स्पेस बची है समय बचा है तब वरना जो मैंने शुरू में कहा उतना भी लिखेंगे तो दैट वुड सफाइस ठीक है ये हो गया उसके बाद एक्सप्लेन दी लॉ मेकिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल से दे दिया है सेंटर स्टेट कुछ भी नहीं लिखा है कि ये कहाँ का लॉ मेकिंग प्रोसेस बोल रहा है लेकिन आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली विधाई प्रक्रिया क्या होती है ये विधाई प्रक्रिया कैसी होती है उसको एकदम जनरलाइज वे में पूछा है क्योंकि विधाई प्रक्रिया स्पेसिफिक जाओगे तो केंद्र की संसद में अलग होती है राज्य की संसद राज्य की जो विधानसभा होती है वहाँ पे अलग होती है लेकिन एकदम जनरलाइज पूछा है ना उसने तो आपको जनरलाइज आंसर लिखना है और जनरलाइज आंसर में आप ये नहीं लिख सकते कि एक से दूसरे राज्य एक से दूसरे सदन में जब जाता है विधेयक तो उसके पास छः महीने का समय होता है कि चार महीने क्योंकि केंद्र में छः महीने का समय होता है राज्य में चार महीने का ठीक है केंद्र में जो है आपका जॉइंट सेशन हो सकता है राज्य में जॉइंट सेशन नहीं हो सकता ये सब होता है उतना लिखने के आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया अकर्स इन दी लेजिस्लेटिव ऑर्गेन है ना भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो विधायी अंग द्वारा की जाती है विधायी अंग केंद्र और राज्य स्तर पे दो विंग्स में है एक लोअर और एक अपर ठीक है लोअर अपर लिखिए तो वो केंद्र को भी कवर कर लेगा स्टेट को भी कवर कर लेगा चाहे लोकसभा राज्यसभा बोले चाहे विधानसभा विधायी विधान परिषद ठीक है तो आप ये चीज लिख लीजिए कि लॉ मेकिंग प्रोसेस केंद्र और राज्य की विधायिकाएं करती हैं और भारत में द्विसदनी प्रणाली के तहत विधायिकाओं के दो हाउसेस हैं एक निम्न और एक उच्च ठीक और कोई भी सदन में एक साधारण विधेयक के तौर पर लॉ को लाया जाता है विधेयक के ऊपर चर्चा होती है चर्चा के बाद उसका विश्लेषण होता है फिर उसके ऊपर संशोधन होता है संशोधन के बाद उसे पहले सदन में पारित किया जाता है फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है अंत में इसे हेड ऑफ द स्टेट के पास भेजा जा जाता है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल होता है और जब वो उसकी अनुमति दे देता है फाइनली तब जाकर के एक कानून बनता है तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य विधायिकाओं द्वारा लॉ मेकिंग होती है यानी कि विधान विधायिकाएं बनाई जा विधान बनाए जाते हैं जिसके तीन चरण होते हैं ठीक है यहां मैं कहूं जिसके लिए किसी विधेयक को तीन चरणों से पास होना पड़ता है एक निम्न एक उच्च और आखिरी में हेड ऑफ द स्टेट फिर वो जो मैंने प्रोसेस बताया उसे आप एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेटरी टाइप है समझाइए बोल रहा है ना तो यहां पे आप पॉइंट्स में ना लिखें एक्सप्लेनेशन करें दो पैराग्राफ में से एक्सप्लेन कर दें और अगर समय बचता है स्पेस बचती है तब बताएं कि इसमें जॉइंट सेशन होता है कि नहीं कितने दिनों के लिए दूसरे सदन में जाता है या कमिटीज़ के बारे में बता दें लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपको जगह मिलेगी ही नहीं इतनी और जनरलाइज पूछा है सेंटर का पूछ रहा है स्टेट का पूछ रहा है कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने जो अभी कहा उतना ही लिख दीजिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो ये हो गया आपके फोर मार्कर क्वेश्चन अब हम मूव ऑन करते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन में जिसमें वर्ड लिमिट होती है hundred. जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं कोशिश करिए कि उसे हंड्रेड वर्ड्स में प्रिपेयर करके रखें तो उसमें से दो मार्क्स और चार मार्क्स दोनों ही तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है तो 2016-17 18 की एक एक क्वेश्चन जो आए हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस द राइट्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का अलग से उल्लेख किया गया आपके मेंस के सिलेबस में और उसको मैंने लेक्चर में डील भी किया है तो आप उसके जो अधिकार हैं उसका वर्णन के लिए कहा है दो पैराग्राफ बनाइए या पॉइंट्स लिख दीजिए ठीक जब आप सिक्सटी वर्ड्स का आंसर लिखते हैं तो आप थर्टी थर्टी वर्ड्स के दो पैराग्राफ बनाते हैं जब आप हंड्रेड वर्ड्स का आंसर लिखते हैं तो फिफ्टी फिफ्टी वर्ड्स का दो पैराग्राफ बनाते हैं या मैं कहूँ फिफ्टी भी नहीं आप फोर्टी फोर्टी वर्ड्स के दो पैराग्राफ़ बनाइए और ट्वेंटी वर्ड्स का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन रखिए दोनों में से जो आप चाहें ठीक है फोर्टी फोर्टी वर्ड्स का दो पैराग्राफ और ट्वेंटी वर्ड्स का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन रखिए तो बेहतर रहता है बाकी यहाँ पे राइट्स की बात की गई तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि केंद्र लोक सेवा आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद तीन सौ पंद्रह सौ तीन सौ तेईस के बीच में किया गया है भारत में एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत में आ जितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका उसके लिए चयन करती है फिर उसकी राइट्स आप इतना भूमिका बांध दीजिए उसके बाद उसके राइट्स जितने हमने पढ़े वो सारे राइट्स आप लिख दीजिए कि यूपीएससी के पास है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है उसके जो काम है उसको इंडिपेंडेंस मिला गया मतलब उसको एक ना कि फ्रीडम दी गई है उसके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ये सारे राइट्स बता दीजिए ठीक है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट डायरेक्ट भर्ती जो भी आप उसके फंक्शंस पढ़े हैं ना उसको आप राइट्स में डाल दीजिए मैंने यूपी से मैं डिटेल नहीं जा सकती क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो देखिए जो भी आपने फंक्शंस पढ़े यूपीएससी के उसको आप राइट्स में डाल दीजिए इंट्रोड्यूस कर दीजिए कोशिश करें कि आर्टिकल हम आप हमेशा लिखें जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर लिखना रहता है जितना डेटा स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट्स आप लिखते हैं ना उतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो पहले आप बता दीजिए कौन से आर्टिकल में क्या है और जो फंक्शन है उसी को आप राइट्स में लिख दीजिए ठीक अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया तो ये सिर्फ मेंस के सिलेबस में एडेड एक टॉपिक है जुडिशरी में भारत में न्यायिक सक्रियता मैंने भारत में न्यायिक सक्रियता के ऊपर वीडियो बनाया है वो यूट्यूब में भी अपलोडेड है और आपकी कोर्स में भी है न्यायिक सक्रियता उसके अलावा न्यायिक पुनरीक्षण और भारत में जनहित याचिका ये तीनों को ऊपर एक वीडियो है ये तीनों ही अलग से मैंशन है आपके मेन्स के सिलेबस में तो आप ये तीनों के ऊपर हंड्रेड वर्ड्स तो प्रिपेयर करके ही रखो कभी ना कभी ये पूछता ही है जुडिशियल एक्टिविज़्म और पीआईएल को कंबाइन करके जो दस मार्क्स का भी फॉर्मेट है उसमें पूछ सकता है सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके ठीक है मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल दोनों के बारे में मैंने अलग अलग डिटेल डील की अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकती हूँ उन दोनों के ऊपर आप एक हंड्रेड वर्ड्स का आंसर बनाकर रखिए ही कोशिश करिए कि इंडिविजुअली भी इन तीनों के ऊपर आप हंड्रेड हंड्रेड वर्ड्स बना करके रखें ठीक है अब यहाँ पर देखिए कमेंट करने बोला है समीक्षा करने बोला है तो आप क्या है करके आप अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते क्या है भी बताना पड़ेगा और समीक्षा भी करनी पड़ेगी कि ये प्रोसेस अच्छा है बुरा है हित में है कि हमें इससे कोई नुकसान हो रहा है तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है एक ऐसा नई नई नही अवधारणा एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में जो कि यूएस से इंस्पायर्ड है आपको मैंने उस लेक्चर में बताया है अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा कि ये आर्थर शेलिंगर जो हैं वो जनक हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट के और ये भारत किसी के किसी संविधान के अनुसूची में नहीं लिखा गया है बस ये पिछले कुछ दशक से या मैं कहूँ पिछले एक दो दशक से भारत में दिख रहा है एक तरह का इनफॉर्मल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है जो कहीं में मेंशन नहीं पर दिख रहा है पिछले कुछ वर्षों से पिछले कुछ दशकों से ठीक है पे न्यायपालिका सरकार के कार्यों में ज्यादा ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है सरकार को निर्देश दे रही है सरकार के कार्यों की समीक्षा कर रही है मतलब भारत में जो शक्तियों का पृथकीकरण है उससे आगे बढ़कर न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को परख रही है उन्हें बता रही है कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है यानी जुडिशरी विच इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज पैसिव इज गेटिंग एक्टिव डे बाई डे वो स्टेटमेंट जारी करती है इनफॉर्मल डिवाइसेस कर दिए खुद कॉग्निशन लेती है और सरकार सरकार के जो कार्य हैं उसके ऊपर टिप्पणियां करती है तो ये एक्टिव हो रही है जुडिशियरी उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जा रही फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ ठीक है थीके? ये बता दीजिए पहले कि क्या है और पी आई एल इसका एग्जाम्पल है ये भी आपको बताया था मैंने पी आई एल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है फिर आप इसकी समीक्षा करिए हंड्रेड वर्ड्स का तो सेकेंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें समीक्षा करिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरह से अच्छा है क्योंकि अमरीका में भी इसने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रोल निभाया और ये भारत में भी देखा जा रहा है कि इससे जो है लगाम लगती है कहीं ना कहीं जो जुडिशरी को जुडिशरी को एक पावर दिया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है संविधान द्वारा कि आप देखें कि भारत में हर चीज संवैधानिक तरीके से हो रही है कि नहीं उसको एक इनफॉर्मल तरीके से इस पावर का इस्तेमाल करके उस इन्फॉर्मलिबिलिटी को निभाती है जुडिशरी को रिपीट करके सुनना जो मैंने बोला भारत की को भारत में संविधान का पालन सही से हो रहा है कि नहीं इसकी जिम्मेदारी दी गई है अब उसके लिए उसके पास बहुत सारे फॉर्मल टूल्स हैं लेकिन इनफॉर्मल तरीके से ये भारत में हो रहा है कि नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए निभा रही है तो अच्छी बात है इस तरह से आप इसे डिफेंड करें नेगेटिव बात क्या और यह भारत में जो शक्तियों का पृथकीकरण है और न्यायिक न्यायपालिका को जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है उस चीज पर आहत हो रहा है है ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में इंटरफेयर नहीं करेगी ऐसी बात कही गई थी लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं देखा जा रहा है कि संविधान तो नहीं कहता था जुडिशियरी को इंटरफेयर करने पर जुडिशियर इंटरफेयर कर रही है तो ये क्रॉस इंटरफेरेंस भी दिखेगा फिर रिटर्न इंटरफेरेंस भी दिखेगा फिर है ना तो ये नेगेटिव बात है शक्तियों के पृथ्वीकरण जो है उसकी अवधारणा पर थोड़ा आप कह सकते हैं आहत हो रहा है तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही का बताइए और बैलेंस करके आप एनालाइज कर लीजिए समीक्षा करने बोले ना तो पॉजिटिव भी बताना नेगेटिव भी बताना और एक डिप्लोमेटिक लाइन से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए ठीक तो ये हो गया न्यायिक सक्रियता अगले आते हैं क्वेश्चन पे राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति विवेचना करिए तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यू आर फ्री टू राइट द वे यू वांट है ना क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोजीशन है उसको मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में बड़ी डिटेल में बताया ही है कि भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत दो मुखियाओं का प्रोसेस है यहाँ पे दो मुखियाओं का कंसेप्ट है यहाँ पे और जिसमें हेड ऑफ द स्टेट है वो राष्ट्रपति है लेकिन वो एक नॉमिनल हेड है वो एक नाम मात्र का मुखिया है उसके पास कहने के लिए संवैधानिक बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन कोई भी वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं है आपको इसी बात को अपने शब्दों में हाईलाइट करना है संवैधानिक सभी शक्तियां लेकिन वास्तविक नहीं है अब एग्जाम्पल दे दो ठीक है जितनी शक्तियां उसके पास है उसका एग्जाम्पल दो लेकिन उसका वो वास्तविक रूप से इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता उसका भी एग्जाम्पल दो ठीक जैसे कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि मान लीजिए उसकी कोई एक शक्ति हम बताते कि राष्ट्रपति भारत के किसी गवर्नर को नियुक्त करता है या यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करता है या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है ये शक्ति है लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से नियुक्त करता है नहीं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो सरकार है उसके कहने पर नियुक्त करता है ठीक है तो ये वाली जिसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर हाईलाइट करनी कि देखिए उसके पास शक्ति तो है पर यह अपनी मर्जी से नहीं कर सकता तो डिस्क्रिशनरी पावर उसके बहुत लिमिटेड है विवेकाधीन शक्तियाँ काफी कम है इस वजह से इसे नाम मात्र का मुखिया कहा जाता है तो यही एक्चुअल पोजिशन का विश्लेषण ये क्वेश्चन डिमांड करता है ठीक तो इस तरह से आप दो पैराग्राफ में से बता दीजिए ये भी समझाने वाला क्वेश्चन है ठीक है तो ये हो गया आपके 16 17 18 के आठ मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आपको हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे जो आगे के क्वेश्चंस के फॉर्मेट है ना वो 16-17 में अलग थे अब 18 में बिल्कुल अलग अब यहाँ पे 250 सौ वर्ड्स या पाँच सौ वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं आते दो चार आठ के तो अभी भी हैं लेकिन अब 250 सौ वर्ड्स और नहीं मतलब कि आपका ये जो 20 मार्क्स और 40 मार्क्स क्वेश्चन है अब नहीं आते इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक अलग से लिखा है दूसरी बात ये जब ये आते भी थे तब भी ऐसा रहता था कि अगर कोई सब्जेक्ट से कोई टॉपिक से ढाई सौ वर्ड्स का पूछा है तो पाँच सौ वर्ड्स का नहीं पूछेगा पाँच सौ वर्ड्स का, का पूछा है तो ढाई सौ वर्ड्स का नहीं पूछेगा ऐसा होता था इसलिए हमको दो हज़ार सोलह का जो क्वेश्चन मिला है वो आपका ढाई सौ वर्ड्स का है और दो हज़ार सत्रह का जो है वो पाँच सौ वर्ड्स का है तो एक एक क्वेश्चन इसके आगे मिलेगा 2018 में जो है कोई भी नहीं है 2018 में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है जिसका जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो छत्तीसगढ़ के लेक्चर में मिलेगी ना कि यहाँ पर ठीक है तो इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन को और इसके बाद दो हज़ार सत्रह के क्वेश्चन को देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस में वर्णित जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कीजिए और क्योंकि की ये बीस मार्क्स का था तो इसके दो दो पार्ट्स थे इससे टेन मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था इसे टेन मार्क्स यानी अगर दो पार्ट से तो आई एक्सपेक्ट करिए कि इसके लिए आपको टेन मार्क्स के हिसाब से लिखना है इसके लिए टेन मार्क्स के हिसाब से मतलब करीब करीब सौ शब्द का ये लिखना है आपको सौ शब्द का ये पचास वर्ड्स का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ठीक है पर अब ऐसा फॉर्मेट नहीं है इस वजह से ज़रूरी नहीं कि अब ऐसा कोई कंबाइंड क्वेश्चन आए कोई भी एक को उठाकर दे सकता है जरूर कि इंडिविजुअल दस दस मार्क्स की क्वेश्चन अभी पूछ सकता है ठीक है तो एक्सप्लेन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है फंडामेंटल राइट्स जब मैंने आपको पढ़ाया तो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि इसके तहत बहुत सारे केसेस मेनका गांधी वाला केस बताया था मैंने कि भारत का संविधान जो है सबको जीवन जीने के अधिकार देता है पर्सनल लिबर्टी दे देता है जीवन जीने के अधिकार के तहत फिर बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे राइट टू लाइवलीहुड राइट टू फूड राइट टू शेल्टर एक्सेट्रा उसके अलावा पर्सनल लिबर्टी के अंदर भी बहुत सारी चीज आती है तो उसके जितने सब पार्ट्स होते हैं ना कि जीवन जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही तरह लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जितनी व्याख्याएं की हैं वो पूरी व्याख्याओं को आपको यहाँ पर बताना होगा एक इंट्रोडक्शन भी देना होगा और एक कंक्लूजन भी देना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक है ये संविधान का क्योंकि ये ह्यूमन राइट right से सीधा सीधा लिया गया है ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि संविधानिक अधिकार से पहले एक मानव अधिकार है ठीक है जिसको संविधान ने अपने अंदर जगह दी है तो इसका इंपॉर्टेंस पहले हाईलाइट करिए और अक्सर ये विवादों में रहता है इस चीज को भी

कि वही क्वेश्चन था जो टू मार्क्स का उधर पूछा था अब इसमें आप क्योंकि दस मार्क्स का है तो पूरा पहले मेथड बता दो कि संवैधानिक संशोधन जो है वो कैसे कहाँ पे प्रस्तुत होता है किसके अनुमति से प्रस्तुत होता है फिर कैसे प्रक्रिया से पास होता है फिर वो मेजॉरिटी वाली पार्ट को भी आप इसमें बता देंगे ये ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया पर इसको आप डिटेल करना है मेथड भी पूरा बताना है और टाइप्स ऑफ मेजोरिटी ने बहुमत के प्रकार भी बताना है ठीक तो ये हो गया दो का क्वेश्चन और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं 2017 का क्वेश्चन अब इसमें तीन पार्ट्स थे 40 वर्ड्स का पूछा था इसमें जो इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं अब ये आठ आठ मार्क्स के आ सकते हैं दस मार्क्स का भी आ सकता है ठीक है देखो अभी आपने देखा ये क्वेश्चन जो था वो टू मार्क्स में फोर मार्क्स में पूछा है और वो टेन मार्क्स के हिसाब से भी पूछा है तो आपको उस हिसाब से अपने फैक्ट्स को रेडी रखना पड़ेगा नीति आयोग के बारे में बताइए नीति आयोग वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रखा नहीं गया है पर फिर भी आप इस तरह के वर्ड्स से अनजान तो नहीं है आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप सी वगैरह के बारे में भी जानते हैं तो आप इसके ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हैं हालांकि जब ये आया था तब काफ़ी हाईलाइटेड था इसलिए पूछा था अभी कुछ जाने की चांसेज नहीं है ठीक है नीति आयोग के ऊपर भी आप आंसर प्रिपेयर ना करें अगर होता भी तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछेगा प्लानिंग वाले पार्ट में ज्यादा पूछेगा फिर भी आप इतना तो लिख सकते हैं इसमें कि नीति आयोग जो है वो भारत में नियोजन के लिए बनाया गया आयोग है जो जनवरी दो में अस्तित्व में आया था और इसने योजना आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग लॉन्ग टर्म फाइव ईयर प्लान की जगह शॉर्ट टर्म प्लान बनाता है जो वन ईयर थ्री ईयर सेवन ईयर के टारगेट के हिसाब से चलते हैं नीति आयोग को आपका पोजिशन बता दीजिए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं कौन कौन इसका वर्तमान में चेयरमैन है ये नहीं पूरी तरह से करंट से डिराइव करके आपको एक हंड्रेड वर्ड्स का टॉपिक

एक होता ना हमने पढ़े, पहले पढ़ा था इलेक्ट्रल कॉलेज के बारे में कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वहां से पूछ सकता है ठीक है प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एकल संक्रमणीय विधि यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो पढ़ा था उसे अलग से पूछ सकता है और यहाँ पर जो डिमांड थी वो तो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की थी पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया था पाँच पॉइंट्स में आपको लेक्चर में वो पूरा पे आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स में अगर आप उसको बोलेंगे पॉइंट्स में लिखना है तो ऐसा नहीं है एक्चुअली सब हेडिंग्स हैं पहले आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रल कॉलेज फिर आपको बताना पड़ेगा प्रपोर्शनल uh, रिप्रेजेंटेशन फिर आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रल कोटा फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फिर काउंटिंग ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी फिर सबको कुछ चार पाँच लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक तो ये ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड बड़ा क्वेश्चन था इसके एलिमेंट्स आगे भी आने के चांसेस हैं ठीक अगला क्वेश्चन गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में जो विधान परिषदें हैं वो नहीं हैं केवल सात राज्यों में हैं और अक्सर ये बात होती है अक्सर राज्यों में आता है कि यहाँ विधान परिषद बननी चाहिए राजस्थान के लिए आया था कि वहाँ पे बननी चाहिए फिर वहाँ पे नहीं बनी तो यहाँ पूछने का मकसद इसका ये है कि राज्य विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है कि नहीं वो रहना चाहिए भी कि नहीं ठीक तो पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए कि किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि नहीं तो दोनों ही चीजें आपको बैलेंस करके आंसर लिखना है मान लीजिए टेन मार्क्स में आ जाता है तो आप बताएंगे कि संविधान के अनुसार भारत के सभी राज्यों में द्विपक्षीय सदन का कोई भी उल्लेख नहीं है ज़्यादातर राज्यों में केवल एक ही सदन है और विधानसभा विधान, विधान परिषद केवल सात राज्यों में है वहां पे भी ये केवल नाम मात्र के लिए ठीक अच्छी बात पक्ष की बात हो रही है तो पहले तो आपने बता दिया कैसा ऐसा है फिर पक्ष की बात क्या है द्विसदनी प्रणाली जिस तरह से केंद्र में कारगर साबित होती है तो यदि ये राज्यों में हो तब वहाँ पर भी कारगर साबित होगी पक्ष में आप बोलेंगे ना कि अगर मान लीजिए विधानसभा कोई बिल को पारित करती है तो विधान परिषद जो है वो उसे क्रॉस चेक कर सकती है तो इस तरह से कोई कानून जो बनता है राज्य स्तर पर वो सही बनने के ज़्यादा चांसेस है आर्बिट्री लॉज नहीं बनेंगे इसके लिए विधान परिषद का होना ज़रूरी है आप इस तरह से इसे डिफेंड कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगेंस्ट में क्या बोलेंगे कि राज्य स्तर पर विधान परिषद की उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधानसभा ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टेट लेवल का संविधान ने विधान परिषद के बारे में कहा तो है लेकिन विधान परिषद को जो शक्तियाँ दी हैं वो शून्य हैं नाम मात्र की हैं क्योंकि राज्य स्तर पर ना ही कोई जॉइंट सेशन होता है कोई जॉइंट सेशन नहीं होता आपको पता है ना ही राज्य के विधान परिषदों को जहाँ पर भी हैं विधान परिषदें उनको कई पावर्स दिए गए आपको बताया है मैंने जब मैंने आपको राज्य विधान परिषद पढ़ाया है या मैंने कहा मैं कहूँ राज्य विधायिका पढ़ाया मैंने बताया था कि हमेशा राज्य स्तर का जो विधेयक होता है वो राज्य विधानसभा में आता है फिर राज्य विधान परिषद में जाता है फर्स्ट हाउस हमेशा स्टेट लेवल पे क्या होती है विधानसभा और सेकेंड हाउस जो होता है वो विधान परिषद होता है और मतलब इसका मतलब विधान परिषद में कोई बिल पहले नहीं आ सकता दूसरा विधान परिषदें अगर कोई बिल को रिजेक्ट भी करती हैं तो भी इसका कोई मतलब नहीं तो रहना नहीं रहना एक ही मतलब है तो संविधानिक तरीके से इसको ज़्यादा मजबूत बनाया ही नहीं गया तो ये एक बड़ा लूप होल है अगर फिर आप डिप्लोमेटिक तरीके से कंक्लूड करके लिखिए कि वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन रहे भी तो उसको सही तरीके से मजबूती दे करके संविधान में से रखना चाहिए ठीक कि उसे भी वैसी शक्तियाँ देनी जा, दी जानी चाहिए जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा के पास है एटलीस्ट उतनी शक्तियां तो दी जानी चाहिए तो इस तरह से एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ को हाईलाइट करके एक बैलेंस आपको आंसर लिखना है क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है ये पक्ष विपक्ष में लिखने की बात कर रहा है फेवर और अगेंस्ट में तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हाईलाइट करना है और लास्ट में निष्कर्ष को डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना है ठीक है तो ये है आपके 2017 के सबसे बड़े क्वेश्चन का एनालिसिस सो दैट इज़ इट 2018 में जो मैंने कहा था कि जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है और वाला पार्ट है उसको मैं रील नहीं करूंगी सिर्फ पॉलिटिक्स रिलेटेड जितने ही थे आई होप आपको इसका एनालिसिस समझ में आया होगा बाकी कहीं कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप आ, कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें